वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एरिया है टाइगर रिजर्व एरिया है, तो आपको 3 के पहले ही यहाँ पे एंट्री मिलेगी, 3 के बाद नहीं मिलेगी। और आने का समय भी आपको 6 के पहले आना होता है, दिन ढलने के पहले आपको चेक पोस्ट पे आपको एंट्री करना होता है। और एक बात ये भी बता दूँ कि अगर आप सूर्य नाला आते हो तो मेरा हमेशा से यही बोलना है, जब भी आप मेलघाट आते हो या मेलघाट में ट्रैवल करते हो तो मेरा हमेशा से यही बोलना है कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो प्लास्टिक मत लाइए। जैसे कि अभी हम आए हैं, इवन मैं आया हूँ तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल भी नहीं लाया हो, इसलिए कि यहाँ पे प्लास्टिक अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-4 बार वीडियो में भी बताया हो कि प्लास्टिक अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ जानवर जब प्लास्टिक खाते हैं उन्हें तो प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मेरा हमेशा से बोलना है कि प्लास्टिक अवॉइड कीजिए। वैसे तो हमने सडनली प्लान किए हैं तो अभी तो कुछ मैंने यहाँ पर लाया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बोलना चाहता हूँ। तो पानी बंद होने के तक हम रुकते हैं, दर उसके बाद चलते हैं सूर्य नाला। यहाँ से तकरीबन मुझे जब पता है कि 15 किलोमीटर हमारा अकोड आता है, देन यहाँ से 15 किलोमीटर तकरीबन सूर्य नाला आता है, तो मे भी 30 किलोमीटर अकोड से सूर्य नाला आऊँगा और काफ़ी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आए। तो अभी के लिए इतना ही। तो एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि शूज़ मत पहन के आइए, क्योंकि शूज़ क्या, एक अगर शूज़ पहन के आए तो शूज़ कैरी करने के लिए कुछ बैग वगैरह लाइए, जिससे आप आपका शूज़ बैग कैरी कर सको। मेरी तो सैंडल थी तो मेरे शूज़ गीले नहीं हुए, लेकिन मेरे साथ में मेरा दोस्त उन लोगों के शूज़ गीले हो गए, जिस कारण वो उनको अब प्रॉब्लम जाएंगी। सो एनीवे अभी आगे चलते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप 3 बजे आएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि यहाँ पे कैंप लगाया है, टेंट है वहाँ पे, अंकल है, उन्होंने मेरा रिसीप्ट चेक किया, जो मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ, उन्होंने जो मेरा रिसीप्ट था वो उन्होंने चेक किए, उस पर मेरा टाइम था, उस पर मेरा टाइम था कि आपको ये टाइम में आना है और ये टाइम में जाना है। तो आप वो एक बार टाइम जब आप पावती रिसीप्ट फाड़ोगे जहाँ से हम स्टार्टिंग में आया है, वहाँ पर आप एक बार मैडम से टाइम पूछ लेना कि मैम हमको कितना टाइम मिला है जाने आने के लिए सूर्य नाला। ऐसी जैसे कि हमको अभी मिला है आधे घंटे का टाइम, मुझे आधे घंटे में रिटर्न आना है, ऐसा उन लोगों ने बोले है, लेकिन फिर भी मैं ये रूल फॉलो करूँगा, आप लोगों को पता है मैं ये रूल फॉलो कर लूँगा। एनीवे मजाक था, लेकिन काफ़ी एडवेंचर मज़ा आने वाला है आज, तो आज तो फुल मज़ा आने वाला है। आप लोग भी अगर ये व्लॉग देख रहे हो तो यू कैन कम एनी टाइम, आई मीन के इन दिस सीजन, और अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स,
और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो और उसमें पूछ सकते हो कि यहाँ पे आना कैसा है और कब आना है। इट्स एसके व्लॉग मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ मेरा इंस्टा अकाउंट, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो फाइनली हम आ चुके हैं सूर्यनारा वाटरफॉल। सो आज जैसा प्रेशर है भाई, मैंने इसके पहले भी देखा हो लेकिन आज कल ज़्यादा ही है, जो फ्लो है ना वाटरफॉल में वो देखने जैसा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ से हम कई बार वॉक करके ऊपर गए हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, देन उसके बाद सेकंड थर्ड, देन उसके बाद थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप तक के मैं गया नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड गया हूँ, थर्ड काफ़ी ऊपर है। इंशाल्लाह कभी ट्राई करेंगे वहाँ पर ऊपर जाने के लिए। तो अभी देख लीजिए आप वाटरफॉल का फ्लो, और यहाँ पे आप कभी भी मत नहाना, इसलिए कि यहाँ का पानी का जो फ्लो है, जहाँ पे वो गिरता है वो बहुत डीपली है। मेरा तकरीबन एक्सपीरियंस बोलता है यहाँ पे 5 साल, मैं तकरीबन 10 साल से ज़्यादा आ रहा हूँ सूर्यनाला, और मैं 10 सालों में कम से कम 30-40 मरतबा यहाँ पर आया हूँ, फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ वीडियो अभी कहते हैं। तो जो यहाँ का ये जो है आपको देखना है जैसा है, ये बहुत डीप है, तकरीबन एक बासा जिसको बोलते हैं हम 20 फुट का होता होगा या 10 फुट का होता होगा, तो 100 फुट यहाँ पे कम से कम पानी है नीचे। और यहीं पर भी मत नहीं है, आपको मैं बताऊँगा, हमारे साथ ये जो लाठी है या जो बासा है वो पूरा डूब जा रहा है यहाँ पर ही, तो आप यहाँ पर भी मत आइए वाटरफॉल में। और ये जो है बस आपको अगर यहाँ पे नहाना है तो बस इतनी जगह पे नहाइए, यहाँ पे नहाइए, बट यहाँ पे जम पम्प ऐसा कुछ मत कीजिए। यहाँ पे 2 से 3 डेथ हो गई है जो मैंने खुद ने देखा हूँ, यहाँ पे डेथ होने के कारण यहाँ पे लोग मर चुके हैं बहुत बहुत। तो चलते आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो आप इतना सा इन्जॉय कीजिए। तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, थोड़ा सा पानी में मोबाइल मेरा गिर गया था और अंदर बारिश चालू है और यहाँ पे बारिश नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कोई लोग नहीं है, हम अकेले ही 3 लोग हैं। अब ये मेरी गाड़ी है, अब यहाँ से मुझे जाना है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सूर्यनाला अगर आप प्लान करते हो तो आप आ सकते हो, अगस्त के महीने में भी पानी रहता है सूर्यनाले को और अभी भी रहता है, तो आप आइए और यहाँ पे इंजॉय कीजिए। जैसे कि आप यहाँ से एंट्री करते हो तो यहाँ से आपको रास्ता जाना होता है, सीधा आप अंदर जाइए, अंदर विथ इन द 500 मीटर का रास्ता है वाटरफॉल के लिए, आप यहाँ से सीधा जाइए, वॉकिंग डिस्टेंस है 500 मीटर का है। शूज़ होगा तो आप शूज़ रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे नदी का आपको क्रॉस करना होता है जिसमें आपके शूज़ गीले हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आए, तो अभी के लिए इतना ही, और आगे कुछ रहा तो आपको ज़रूर अपडेट दूँगा। और प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए और लाइक कमेंट शेयर भी चाहिए। अभी तक के मैंने आप लोगों को इस चीज़ की गुजारिश नहीं किया था, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा भी चैनल ग्रो हो, तो ठीक है, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अभी के लिए ठीक है।